अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाली लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 11 6GB 128GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं और अनबॉक्सिंग करते हुए मैं आपको इसके मेन मेन स्पेक्स में आपको बताता जाऊँ, साथ में प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हीलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मीडियाटेक की तरफ से आता है, गेमिंग चिपसेट है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। की जीपीयू की बात करते हैं तो ARM G57, ओवरऑल बात करते हैं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी गेमिंग में भी और वैसे ही डेली यूजेज के मुताबिक। रैम रोम की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, 4GB 128GB और 6GB 128GB, दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। 4GB 128GB आप लोगों को 28,000 में देखने को मिल जाएगा और 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 31,000 में देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप लोग ये चीज़ नोट कर लें कि मार्केट में अच्छा खासा डिस्काउंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 2500 से 3000 रुपये दोनों वेरिएंट के साथ आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है। बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की, तो आपको काफ़ी खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक बैग के साथ, साइड भी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, फ्रंट पे गिलास और काफ़ी खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है ये सेट। और साइड पे बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन देखने को मिलेंगे और साथ में ये फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है इसमें। और इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे आपको ये सिम ट्रे देखने को मिलेगी और नीचे वाली साइड से देखते हैं तो ये एक स्पीकर ग्रिल और USB Type-C और साथ में 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा और ऊपर वाली साइड पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। और बाकी इसमें कलर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 कलर में ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी और ये पता नहीं अजीब अजीब किस्म के नाम है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर देता हूँ। और वाइट कलर जो है वो आप लोगों के सामने वो आप देख रहे हैं और बाकी 2 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इन तीनों कलर्स के नाम यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं तो वो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मैं शायद पढ़ने में गलती कर जाऊं। वाइट कलर है तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बाकी का मुझे नहीं पता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मुझे पर्सनली वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, जिसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेन कैमरा की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का काफ़ी बड़ा सेंसर देखने को मिल जाएगा F1.6 के अपर्चर के साथ, तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ की क्वालिटी आप लोगों को मिलने वाली है। और बाकी 2 सेंसर की बात करते हैं तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 1 VGA सेंसर देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये कि सिर्फ जो मेन कैमरा है आप लोगों को वही काम करते हुए दिखाई देगा, बाकी 2 कैमरे सिर्फ डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बाकी बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी फ्रंट नॉच में, जिससे आपको डिसेंट किस्म की पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसका फुल डिटेल में कैमरा टेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो वहां पर जाकर अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080p के रेजोल्यूशन के साथ, फुल HD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि फ्रंट में आपको नॉच देखने को मिल जाएगी और 60Hz वाला पैनल देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। तो 30,000 की रेंज में ये चीज़ें ना होना आप लोग खुद ही देख। वो बात कर लेते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh का काफ़ी बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा और साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि 5000mAh बैटरी वैसे ही आपका एक दिन आराम से निकाल जाएगी और साथ में 33W की चार्जिंग, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये तो ये थे जी आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। दीजिए अमीर हमदा भाई को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।